हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तुषार गुजराती है और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मेटलर्जी सब्जेक्ट। और हम इस वीडियो में हम जानेंगे अलॉय स्टील्स, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मेटलर्जी सब्जेक्ट का। सो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सो फ्रेंड्स, हम अभी स्टार्ट करते हैं अलॉय स्टील टॉपिक। सो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील। सो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है अलॉय स्टील का। सो यहाँ पे अलॉय स्टील का डेफिनेशन दिया है, अलॉय स्टील इज अ स्टील इन विच वेरियस एलिमेंट्स अदर देन कार्बन लाइक निकेल, मैंगनीज, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम एट्सेट्रा आर एडेड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। सो अलॉय स्टील बेसिकली होता क्या है? अलॉय स्टील ये ऐसा स्टील है जिसमें हम अदर देन कार्बन, कार्बन के सिवाय और एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि निकेल, मैंगनीज, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अगर हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? अलॉयिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। बेसिकली आपको स्टील पता ही होगा, स्टील क्या होता है? स्टील एक अलॉय होता है। किस चीज़ का अलॉय होता है? वो आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। आयरन प्लस कार्बन के अलॉय को हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। अगर उस स्टील में अगर हम कुछ अलॉयिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय स्टील्स कहते हैं। ठीक है। सो अगर हम अलॉयिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं तब क्या होता है? उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी? यहाँ पे दिया है सेकेंड लाइन में, जनरली दीज एलिमेंट्स आर एडेड टू इंक्रीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इंप्रूव करने के लिए हम अलॉय स्टील बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? स्ट्रेंथ आता है, डक्टिलिटी आता है, हार्डनेस आता है, ये सब प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है, थर्मल प्रॉपर्टी में थर्मल कंडक्टिविटी, और उसे हम क्या कहते हैं? हायर टेम्परेचर में उसे हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा थर्मल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंप्रूव होता है। और रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? करोजिव रेजिस्टेंस और वियर रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है। सो ये है बेनिफिट ऑफ अलॉय स्टील का। सो इसके कॉजेस क्या है? थर्ड लाइन में क्या दिया है? द मेन कॉज ऑफ एडिंग अलॉइंग एलिमेंट्स इन स्टील आर एज फॉलोज। सो मेन कॉज क्या है अलॉइंग एलिमेंट ऐड करने का स्टील में? तो सबसे पहले क्या होगा? टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। अगर हमें स्टील का हार्डनेस इंक्रीज करने का है या वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव करने का है तो हम अलॉय स्टील बनाते हैं। सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट कॉज इज टू इंक्रीज करोजन रेजिस्टेंस। अगर हमें स्टील का करोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने का है तो हम क्या करेंगे? अलॉय स्टील बनाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉजेज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एब्रेजन एंड वियर। अगर हमें सेम प्रॉपर्टीज दे, अगर हमें वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव करने का है स्टील का, एब्रेजन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने का है, तब हम अलॉयिंग एलिमेंट ऐड करते हैं स्टील में। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड मशनेबिलिटी। अगर स्टील का डक्टिलिटी इंप्रूव करना क्या है और मशनेबिलिटी इंप्रूव करने का है, मशनेबिलिटी क्या मतलब क्या होता है? अगर हमें स्टील को रिक्वायर्ड शेप देने का है, उस पर मशनिंग करने का है, तो उसकी मशनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सो अगर आप अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी और मशनेबिलिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट कॉजेज टू इम्प्रूव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। अगर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने का है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड थर्मल प्रॉपर्टी, तब क्या करते हैं? हम अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं। किसमें? स्टील में। सो और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आयरन और कार्बन का अलॉय है उसे हम स्टील कहते हैं, तो उसे हम प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। अगर उसमें कुछ अलॉइंग एलिमेंट ऐड नहीं किया है हमने, केवल आयरन और कार्बन है, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। और अगर उसमें हम अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अलॉय स्टील कहते हैं। सो ये आप याद रखना है, प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील। सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। अगर आप अलॉय स्टील बनाते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, हम ये देखेंगे वन बाय वन। सो उसका पहला एडवांटेज क्या है? ग्रेटर स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब क्या?
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को स्टील क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ विथस्टैंड करता है विदाउट फेल्योर। स्टील क्या होता है, फेल नहीं होता है हायर टेम्परेचर को। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है अलॉय स्टील का, ग्रेटर स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स। दूसरा एडवांटेज क्या है, हायर हार्डनेबिलिटी। हायर हार्डनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील की हार्डनेबिलिटी कम होती है, हम उसे उसकी हार्डनेस बढ़ा नहीं सकते इजीली। सो अगर हमें लो कार्बन स्टील की हार्डनेस बढ़ाने की है तो हम उसमें क्या करेंगे, अलॉयिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। सो उससे क्या होगा, उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ जाएंगी। इसी तरह हम उसकी हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। सो अलॉय स्टील्स की क्या होती है, हाई हार्डनेबिलिटी होती है, उससे क्या कर सकते हैं, हम हार्डनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड क्रैकिंग। सो डक्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि हमें अगर मशीनेबिलिटी करने की होगी, मशीनिंग करना है तो हमें डक्टिलिटी भी चाहिए। सो इम्प्रूव डक्टिलिटी मिल जाती है हमें, एंड क्रैकिंग। एक्चुअली यहाँ पे क्रैकिंग रेजिस्टेंस है, इम्प्रूव क्रैकिंग रेजिस्टेंस। सो क्रैकिंग रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है अगर आप अलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, हायर इलास्टिक रेशियो एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। हायर इलास्टिक रेशियो मतलब, इलास्टिक रेशियो मतलब एक्चुअली इट इज ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप हायर इलास्टिक रेशियो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका जो स्टील है वो बहुत ही अच्छा स्टिप बन जाएगा, उसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। सो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पड़ता है उसके, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मतलब स्टील का, स्टील की वो स्ट्रेंथ है विदाउट फेल्योर आफ्टर एन नंबर ऑफ साइकिल्स। अगर आप स्टील पे लोड अप्लाई करते हैं फॉर एन नंबर ऑफ साइकिल, वो फिर भी फेल नहीं होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है, दैट इज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ उसकी हायर है। सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट एडवांटेज इज नथिंग बट बेटर मशीनेबिलिटी एट हायर हार्डनेस। आपको पता ही होगा, अगर आपका स्टील बहुत ही हार्ड है तो उसकी मशीनिंग इजीली नहीं हो सकती। सो अगर आप अलॉय स्टील यूज करते हैं तो इट विल प्रोवाइड यू बेटर मशीनेबिलिटी एट हायर हार्डनेस। सो हार्ड मटेरियल भी आप इजीली मशीन कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है अलॉय स्टील का। और एक एडवांटेज दैट इज लेस इंटरनल स्ट्रेसेस। अगर आप स्टील को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे कूल करते हैं तो उसमें कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस क्या हो जाते हैं, उसमें रह जाते हैं। सो अगर आप अलॉय स्टील यूज करते हैं तो इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी लेस इन द स्टील, दैट इज कूल्ड स्टील जो होगा उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस विल बी लेस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ अलॉय स्टील। वैसे देखा जाए तो अलॉय स्टील के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो हम लिमिटेशंस भी देखेंगे। सो पहला लिमिटेशन क्या है, हायर कॉस्ट देन प्लेन कार्बन स्टील। मैंने ऑलरेडी बताया आपको प्लेन कार्बन स्टील क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील इज नथिंग बट आयन प्लस कार्बन, जो बेसिक अपना स्टील है उसे क्या कहते हैं, प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। सो अगर आप प्लेन कार्बन स्टील में अलॉइंग एलिमेंट ऐड करेंगे, अलॉइंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। सो इससे जो भी आपका अलॉय स्टील बनता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, हायर कॉस्ट। सेकेंड वन इज केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग। अगर आप अलॉइंग एलिमेंट्स को हैंडल करते हैं तो आपको केयर लेना है बराबर, उसको ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज नहीं करने देने का है। सो दैट इज वन, केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग। तीसरा लिमिटेशन है टेंडेंसी टू हैव रिटेन ऑस्टेनेट। सो आपको पता होगा रिटेन ऑस्टेनेट क्या होता है, अगर आप स्टील को ऑस्टेनेट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसकी हार्डनेस बढ़ाते हैं आप, तब क्या हो जाता है, जो भी ऑस्टेनेट है आपका वो 100% कन्वर्ट नहीं होता है मार्टेनसाइट में, वो 1-2% के लिए रह जाता है, उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो वो जो 1-2% का जो ऑस्टेनेट है उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन ऑस्टेनेट। सो रिटेन ऑस्टेनेट से क्या होता है, जो भी आपका मटेरियल हार्ड होने वाला होता है उसमें वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ऑस्टेनेट कैसा फेज है, सॉफ्ट फेज है। अगर मार्टेन साइड में ऑस्टेनेट होगा 1-2% तो वो 1-2% कम हार्ड होगा, मतलब 1-2% सॉफ्ट हो जाएगा। सो ये एक ड्रॉबैक है, टेंडेंसी टू हैव रिटेन ऑस्टेनेट। ठीक है, सो रिटेन ऑस्टेनेट इज सॉफ्ट फेज, और मार्टेन साइड कैसा होता है, हार्ड फेज होता है। ठीक है, और एक लिमिटेशन है यहाँ पे, सर्टेन ग्रेड शो टेम्पर ब्रिटलनेस। अभी यहाँ पे और एक टर्म है, टेम्पर ब्रिटलनेस क्या होता है, टेम्पर ब्रिटलनेस। सो आपको पता होगा टेम्परिंग एक प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट का। सो टेम्परिंग में हम क्या करते हैं,
अगर स्टील की हार्डनेस हमें कम करने की या इंटरनल स्ट्रेसेस कम करने की है या उसे डक्टाइल बनाने का है, तो हम उस स्टील को क्या करते हैं, हीट करते हैं अप टू 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 500 और 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर को हम होल्ड करके रखते हैं। इससे क्या होता है, स्टील की हार्डनेस कम हो जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन सर्टेन ग्रेड्स, कुछ ग्रेड्स ऐसे हैं उसमें क्या होता है, वो हार्ड होने के बजाय ब्रिटल हो जाते हैं। वो स्टील क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, डक्टाइल होने के बजाय वो ब्रिटल हो जाता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पर ब्रिटलनेस। सो एक ये एक डिसएडवांटेज है सम ग्रेड्स का, सर्टेन ग्रेड्स शो टेम्पर ब्रिटलनेस। सो लाइक दिस ऑल स्टील्स हैव सम लिमिटेशंस आर ऑल्सो। सो हमें इससे एक समरी पता चलती है, क्या पता चलता है हमें इससे, कि प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील, सो अलॉय स्टील के बहुत सारे एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू प्लेन कार्बन स्टील। अलॉय स्टील हर एक चीज़ में एफिशिएंट है, जैसे कि वो हाई टेम्परेचर में आप उसको यूज कर सकते हैं, करोजिव एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वियर हो सकता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो अलॉय स्टील के बहुत सारे एडवांटेज है एज कम्पेयर टू प्लेन कार्बन स्टील, क्योंकि प्लेन कार्बन स्टील आप हायर टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते, लोअर टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते, आप उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं, और उसके स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी ज़्यादा नहीं होती है, और उसका वियर रेजिस्टेंस, करोजन रेजिस्टेंस भी कम होता है, किसका, प्लेन कार्बन स्टील का। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलॉय स्टील इज बेटर देन प्लेन कार्बन स्टील इन एवरी एस्पेक्ट, सिवाय एक चीज़ के, कौन सी चीज़, वो है कॉस्ट। अलॉय स्टील की कॉस्ट प्लेन कार्बन स्टील के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होती है।